वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का हिस्ट्री का 3 लेसन, जो हिंद चीन में हम लोग राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे, यानी कि हिंद चीन के बारे में। उसमें पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि फ्रांस यहाँ पर हिंद चीन के पूरे इलाका पर लगभग कब्जा कर लिया था, यानी कि यूरोप से बहुत सारे व्यापारी यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, यानी कि बहुत सारे देश के लोग यूरोप से आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन मुख्य रूप से फ्रांस यहाँ कब्जा करने के लिए आया था, यानी अपना उपनिवेश खड़ा करने आया था। और वो उपनिवेश खड़ा किया और सिर्फ यहाँ कब्जा करने के लिए वो कई देशों से लड़ेगा, और लड़ने के बाद इसमें वियतनाम के लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। हर तरीका से शोषण वियतनामियों का किया जा रहा था, तो वियतनाम का जब शोषण किया जाएगा, वियतनाम के लोगों को परेशान किया जाएगा यहाँ पे, तो वहाँ पे सभी लोग एकजुट, एक बार ऐसा समय आएगा जब वो थोड़े से समझदार होंगे, तो वहाँ पे सभी लोग एकजुट होंगे और एकजुट हो करके और यहाँ से फ्रांसीसियों को भगाएंगे। ठीक है, तो जब एकजुट होंगे उसके लिए कुछ बुद्धिजीवी लोग आए जिन्होंने क्या किया, लोगों को एकजुट करने के लिए कुछ समझाया, कुछ संगठन बनाया। संगठन माने यूनिटी, सभी लोगों को एक करने के लिए एक संगठन बनाया, उसका कुछ नाम रखा। ठीक है, उसी के बारे में जाने कि आखिर वो कौन से बुद्धिजीवी लोग हैं जो सबको एक किए, और जब सब कोई एक हो जाएगा तो सब लोग मिल करके फ्रांसीसियों पर वार करेंगे, और फ्रांसीसी यहां से कहां चले जाएंगे, अपने जहां से वो आए थे यानी यूरोप चले जाएंगे। तो इसमें चार लोगों का नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। हिंद चीन में राष्ट्रवाद, उन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का विकास कैसे होगा, अपने देश के प्रति, अपने वियतनाम के प्रति सबको एकजुट होकर लड़ना था, यहां समझिएगा। हो क्या रहा था कि 1903 में एक विचारक आए, वियतनाम में कुछ लोगों को हेल्प किए, क्या किए, फान बोई चाउ उनका नाम था। एक चीज आपको बता दें, इस लेसन में थोड़ा नाम टफ टफ आएगा, ऐसा नाम आएगा लगेगा किसी होम्योपैथ दवा का नाम है, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा अजीब सा उटपटांग नाम लगेगा, दूसरा गोला पर का है, समझ में आए। फ्रांस बोई चाउ, इनका नाम है फान बोई चाउ, ठीक है। इन्होंने एक संगठन बनाया, लोगों का संगठन, सभी वियतनामियों का संगठन, उस संगठन का नाम था, उस ग्रुप का नाम था दुई तान होई। फान बोई चाउ ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था दुई तान होई, और इसमें एक नेता बना दिया कि सब की देखरेख एक नेता करेगा, जिसका नाम था कुआंग दे। देखे ना, आ गया ना, अजीब सा थोड़ा सा नाम लगेगा, दूसरे गोला पर का नाम लगेगा, ठीक है। उन्होंने एक किताब लिखा, पूरे वियतनाम के बारे में किताब लिखा कि वियतनाम पहले कितना अच्छा था, लेकिन फ्रांसीसियों के आने के बाद वियतनाम को पूरा का पूरा लॉस हुआ, इसीलिए वो एक किताब लिखे जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, यानी वियतनाम का नुकसान। आखिर क्या नुकसान हुआ, जब ये लोग पढ़ते थे ना तो लोगों के अंदर गुस्सा आता था कि पहले मेरा वियतनाम कैसा था, अब कितना लॉस हो गया, सब लूट के लेके जा रहा है। इसलिए देखिए, बताए थे ना कि कुछ किताब लिखा गया ताकि लोगों को गुस्सा आए, और गुस्सा आए तो फ्रांसीसियों से वो लोग लड़ेंगे और एक होके लड़ेंगे, ठीक है। तो ये दो ठो आप याद रखिएगा। फिर थे यहां पे एक और व्यक्ति, पहला व्यक्ति के बारे में, फान चू त्रिन, यानी फान बोई एक चाउ थे, एक फान चू त्रिन थे। इन्होंने क्या किया, ये बेचारे क्या किए कि जो राजस्तरीय है, जो वहाँ राजतंत्र था, उसको बोले कि ये सब कुछ नहीं रहेगा, सबका जड़ है राजा। अगर राजा फ्रांसीसियों को यहाँ नहीं बुलाया होता, फ्रांसीसियों को शरण नहीं दिया रहता, तो यहाँ पे आ करके अपना व्यापार नहीं बढ़ाते, ठीक है, सबका। तो राजतंत्र को हटाया जाए, गणतांत्रिक मतलब वहाँ पे सिस्टम बनाया जाए, ठीक है। दूसरे व्यक्ति के बारे में आप पढ़ लिए, यहाँ समझिए। उसके बाद से प्रथम विश्व युद्ध, सबसे बड़ी बात ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ हुआ क्या कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसी समय 1914 में पहला विश्व युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और 18 में ख़त्म हो गया, यानी 4 साल तक युद्ध लड़ा, लेकिन ये पूरे के पूरे वियतनाम में हलचल मचा दिया। देखिए बेचारे वियतनामियों के साथ फ्रांसीसियों ने क्या किया, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो फ्रांस लड़ाई में था, अपनी सेना को लगा दिया था फ्रांस लड़ाई में प्रथम विश्व युद्ध के, लेकिन जानते हो क्या हुआ था, वियतनाम से सभी लोगों को उठा करके, ठीक है, जो वियतनाम जगह था जिस पर वो कब्जा किया था, वहां से लोगों को उठा करके और अपने सेना में जबरदस्ती भर्ती करने लगा, यानी जबरन भर्ती करने लगा, ताकि वो क्यों कर रहा था, चालाकी उसका, देखिए सबसे आगे वियतनाम की सेना, उसके पीछे फ्रांस की सेना, अपने देश की सेना को पीछे और वियतनाम के लोगों को उठा करके सेना में भर्ती करके आगे लगा देता था, ताकि जब लड़ाई हो तो सबसे पहले वियतनाम की सेना मरे। जब ये वियतनामियों को पता चला तो बड़ी गुस्सा आया, ठीक है, कि हमारे लोगों को ऐसे ही डायरेक्ट
डायरेक्ट मार दिया जा रहा है वहाँ, एक तरह से समझो तो लड़ाई में क्यों जबरदस्ती मारा जा रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग नहीं जाना चाहते थे सेना में, वो सब समझ रहे थे कि उन लोगों को आगे लगाया जाएगा और अपने देश को फ्रांस पीछे लगाएगा। ठीक है, तो लोगों के अंदर और गुस्सा आया प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, यहाँ समझिएगा, फ्रांस द्वारा वियतनामी सेना में भर्ती किया गया, जबरदस्ती फ्रांस भर्ती करता था और सेना में आगे वाले लाइन में लगाता था ताकि उधर से अगर बमबारी और गोली वगैरह जो भी चले तो वियतनामियों को लगे और फ्रांस की सेना बच जाए। ठीक है, अब देखिए 1914 में ये सब चीज़ों को देख करके लोग परेशान हो गए और वियतनामी राष्ट्रवादी दल, यानी कि यहाँ पे वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन हुआ 1914 में, लोगों द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका पहला अधिवेशन कहाँ पे, कैटन में हुआ था। ठीक है, ये तो दल बन गया फ्रांस को भगाने के लिए, ग्रुप बन गया, लेकिन जब ये राष्ट्रवादी दल बना तो फ्रांस देखा, अच्छा तुम लोग मेरे खिलाफ राय कर रहे हो, कोई बात नहीं, गुट बनाओ, अपनी सेना लाया और इस दल को बर्बाद कर दिया। यानी कि फ्रांस द्वारा कौन सा, वियतनामी राष्ट्रवादी दल, यानी वियतनामी यानी वियतनाम के लोग राष्ट्रवादी यानी राष्ट्र के प्रति एक दल बना रहे थे जिसको फ्रांस ने कुचल दिया, बोला कि नो प्लानिंग, प्लानिंग नहीं करना है, ठीक है, बर्बाद कर देंगे हम। यहाँ समझिएगा, कोचिन चीन बताए थे आपको, पूरा जब हम फिगर बनाए थे तो नीचे कोचिन चीन था। ठीक है, पूरे वियतनाम पर तो कब्जा था लेकिन मेनली रूप से, ठीक है, कब्जा किस पर था, कोचिन चीन पर फ्रांस का पूर्ण रूप से कब्जा था। ठीक है, तुकीम अन्नाम कंबोडिया और लाओस, ये जो चार इलाका थे उस पर पुरातन राज व्यवस्था यहाँ पर कायम था, यानी कि पुराना वाला राजतंत्र ही कायम था, लेकिन उसमें भी ये फ्रांस के लोग अपने अपने आदमी रखते थे उसमें। ठीक है, और एक और बात बता दें कि जो चीन के लोग थे वो लोग भी वियतनाम पर कुछ हद तक कब्जा किए थे। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो कुछ ना कुछ सुधार हुआ, अब फ्रांस के लोग समझ चुके थे कि अरे यार पहले हम जब आए थे तो कोई विरोध नहीं कर रहा था, अब हम भले विरोध को कुचल दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे फ्रांस ने विरोध को कुचल दिया था, लेकिन धीरे धीरे विरोध को कुचल देने के बाद लोगों के अंदर फिर भी गुस्सा आ रहा था, अच्छा कुचल दिए, इसके बाद और लंबा प्लानिंग करके और ज़्यादा गुट बनाएंगे, देखते हैं कैसे कुचलते हो। यानी मिला जुला के बात करें तो अब यहाँ से क्रांति शुरू हो चुका था, लोग मानने वाले नहीं थे, तभी मानेंगे जब यहाँ से फ्रांस अपने यहाँ यूरोप चला जाएगा, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद सोचे कि अब सुधार करते हैं, फ्रांस सोचा नहीं सुधार करेंगे तो भगा देगा, हमारा व्यापार भी चला जाएगा, तो व्यापार करने आए थे, बड़ा मेहनत से कब्जा किए हैं, ठीक है, कब्जा छोड़ो व्यापारे तक सीमित रखना पड़ेगा, तो सुधार करने लगा, प्रथम विश्व युद्ध से सुधार हुआ। ठीक है, और सुधार में स्थानीय जनता का महत्व, यानी अब बोला कि देखिए अब देश में किसी का राज्य नहीं रहेगा, अब वहाँ से निर्वाचित की जगह इलेक्शन होगा, और इलेक्शन में गांव के लोग भी इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं, जो जीतेगा वो वियतनाम में रहेगा, और वियतनाम के हर एक इलाका में, छोटा छोटा इलाका में उन्होंने ऐसा काम कर दिया, यानी कि स्थानीय जनता, वहाँ की जो स्थानीय जनता थी उन लोग का महत्व फ्रांस देने लगा। ठीक है, और वहाँ क्या होगा, निर्वाचन शुरू हो गया, निर्वाचन का मतलब इलेक्शन होता है, इलेक्शन शुरू करके इस हिसाब से थोड़ा सा सुधार हुआ, वहाँ के राजा लोग भी सुधार किए, वो लोग भी बोले अच्छा हम भी सुधार करते हैं, हम भी राजा बनाएंगे, तो कहीं कहीं से लोगों को मंत्री अगर बनाना होगा, ठीक है, तो चुन के बनाएंगे, लेकिन राजा थोड़ा सा खचड़ा होता है, वो का करने लगा, बाद में बोला कि नहीं रे बाबा, अगर हम लोग गांव से आदमी को उठाएंगे तो हमारा अपना आदमी को मंत्री नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो वो ज़्यादा दिन तक सिस्टम नहीं चला, सब बेकार हो गया। ठीक है, तब इसमें सब आदमी, सभी वियतनाम की जनता ये सब देख रही थी, सब राजा और फ्रांस मिलकर सब नौटंकी कर रहा है, उसमें लोगों को खूब गुस्सा आ रहा है, लेकिन कर भी क्या सकता है। ठीक है, उसमें एक व्यक्ति जिसको कहा जाता है वियतनाम का हीरो, जिसका नाम था हो ची मिन, आपको कुछ याद हो चाहे ना हो इनका नाम याद होना चाहिए, हो ची मिन की एंट्री हुई, ये चुपचाप देख रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे मॉस्को में, मॉस्को एक जगह है वहाँ पर पढ़ाई कर रहे, सब देख रहे थे और ये बड़ी गुस्सा हो रहे थे। आपको बताए थे साम्यवाद और समाजवाद के बारे में, जो प्यार से मामला को सलटा दे उसे समाजवाद, और साम्यवाद मामला वही रहेगा लेकिन जो लड़ाई झगड़ा करके सलटा दे उसे साम्यवाद कहते हैं। तो जो हो ची मिन थे अब गुस्सा आ रहा था, तो जब गुस्सा आएगा इसका मतलब ये साम्यवाद विचार के होंगे, यानी कि साम्यवादी होंगे। अब देखिए, ये शिक्षा मॉस्को में लिए और साम्यवाद से प्रेरित थे। ठीक है, यानी साम्यवाद इनके अंदर था, गुस्सा था किसके, फ्रांसीसियों के प्रति। और 1917 में साम्यवादियों के सभी गुटों को एक करके, जो जो इधर उधर गुस्सा वाले लड़के सब इधर उधर छिटाए हुए थे, सब लड़के को एक करके बोल रहे थे कि तुम गुस्से हो ना, एक काम करना,
तो ये गुस्सा फ्रांसीसियों पर दिखा, सभी गुटों को एक किया पेरिस में, ठीक है, जो कि फ्रांस की राजधानी एक है पेरिस में, यहाँ पे क्या हुआ, सभी गुटों को एक किया 1917 में। आपसे पूछा जाएगा साम्यवादियों का गुट कब बना, 1917 में, किसके द्वारा बना, तो हो ची मिन के द्वारा बना। अब देखिए 1925 में ये वियतनामी क्रांतिकारी दल एक बनाया, कौन, हो ची मिन 1925 में, ठीक है। और जब ये दल बन गया तो बोला कि अब तो सभी लोग एक हो गए, तो तुम लोग को ट्रेनिंग देना पड़ेगा ना कि कैसे लड़ना है, एक सैनिक बनाना है ना तुमको, तो ट्रेनिंग दिया गया। तो वहाँ उसी समय 1925 में इन लोगों को ट्रेनिंग यानी कि सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कर दी, यानी कि ट्रेनिंग भी शुरू हो गया, ठीक है, वियतनामियों को एक करके ट्रेनिंग शुरू हो गया। और 1930 में यहाँ पे भी गुट बना, ठीक है, राष्ट्रवादी गुटों को मिला करके, और फिर क्या गया, वियतनाम कांग सांग दिंग एक पार्टी बना, देखिए वहाँ का नाम है ये, इसीलिए उटपटांग है, अपने यहाँ इसको बोलते हैं वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, सभी गुटों को एक करके वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी बना। बहुत सारे वियतनामी दल इधर उधर छिटे होते, एक ग्रुप इधर है राय कर रहा है कि फ्रांसीसियों को कैसे बना, एक ग्रुप इधर है, एक ग्रुप इधर है, सभी लोग राय कर रहे थे कि फ्रांसीसियों को कैसे बना जाए। जब हो ची मिन आए तो बोले क्या कर रहे हो तुम लोग अपने में, सब ग्रुप एक हो जाओ ना, देखो ना कितना जनसंख्या हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद करो अपना अपना नियम मत लगाओ, सब ग्रुप एक होकर के तब बैठ के राय करो, ताकि ज्यादा जनसंख्या रहेगा और उस हिसाब से लड़ाई करोगे तब जाके फ्रांस होगा। तो सभी गुटों को एक करके, ठीक है, और ये पार्टी बनने के बाद फ्रांस को डर हो गया कि अब पूरा वियतनामी लगभग एक हो गया है, तो काम कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है, अब इस बार छोड़ने वाला नहीं, अब वियतनाम पूरा बहुत बड़ा इलाका था, ठीक है। अब उस समय जब सब गुट एक हो गया, तो उसी समय लगभग 1930 है ना, 1930 और 1929 में एक आया था आर्थिक मंदी, पूरे भारत में विश्व आर्थिक मंदी, पूरे भारत के बात नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें पूरा भूखमरी आ गया था, रोजगार किसी के पास नहीं था, तो जब रोजगार नहीं होगा तो बेरोजगार लोग इधर उधर घूमेंगे, इधर उधर लोगों को घुस, एक बेरोजगार व्यक्ति का अगर परिवार भूखा मरे तो वो किसी भी हद तक जा करके अपने परिवार को खाना खिलाने के लिए चोरी भी करने को तैयार हो जाएगा, लोगों के अंदर गुस्सा थी। और इसका फायदा हो ची मिन ने उठाया, उन्होंने क्या किया, बोला कि देखिए ये जो आर्थिक मंदी आई है, ठीक है, देखिए मोटिवेटर है ये, मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, ये जो आर्थिक मंदी आई है ये टोटल फ्रांस की देन है, अगर फ्रांस यहाँ कब्जा नहीं करता तो अपने यहाँ वियतनाम में भूखमरी नहीं आती, और यही सब उनके दिमाग में सेट कर दिया, तो सभी लोगों के गुस्सा आ गया, तो जब गुस्सा आ जाएगा तो वो साम्यवादी बन जाएंगे, और जब वो साम्यवादी बन जाएंगे तो सभी लोग एक होना शुरू करेंगे और फिर फ्रांस पर कार्रवाई होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे विश्व आर्थिक मंदी आई और आंदोलन एकदम तेज हो गया, ठीक है, और जब आंदोलन तेज हुआ एकदम, फ्रांसीसियों को सभी लोग मिल करके जब आंदोलन करके भागाने लगे, तो बार बार फ्रांसीसी अपनी सेना का इस्तेमाल करता, उस आंदोलन को दबाता, लोगों को मारता काटता, ठीक है, लेकिन लोग हार नहीं मानते, क्योंकि लोगों का परिवार मर रहा था ना, तो अपने परिवार को जीवित रखने के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। और फिर इसके बाद अब हम लोग को देखना है अगले लेयर में, ठीक है, कि जब यहां से फ्रांसीसी बोले हार मानने लगेंगे, तो किस तरह से अपनी एक व्यक्ति को अपने यहाँ से उठा करके और फ्रांस का एक शासक बनाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पूरे वियतनाम की बात करें तो वियतनाम दो हिस्सा में टूट जाएगा, एक हिस्सा हो जाएगा उत्तरी वियतनाम और एक हिस्सा हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम, ठीक है, क्योंकि ये पूरा इलाका को कौन, हो ची मिन एक कर चुका रहेगा, और इस इलाका में रहेंगे बाओ दाई की सरकार। अब बाओ दाई की सरकार को भी अंततः हो ची मिन का बात, बाओ दाई कोई बुरा आदमी नहीं था, ठीक है, ये दोनों राय कर लिया, क्या किया था ये, इसको तोड़ दिया था, दो हिस्सा में वियतनाम को तोड़ दिया, लेकिन यहाँ बाओ दाई था और इस इलाका में कौन था, हो ची मिन था। ये दोनों राय करके एक होने की कोशिश करेगा, और लास्ट की कहानी में तो वो देखना ही है कि पूरा वियतनाम एक हो जाएगा और इस तरह से फ्रांस को यहाँ से जाना पड़ेगा, तो हम लोग अगले लेयर में देखेंगे। अब यहाँ देखिए इस लेयर में, पिछले लेयर में हम आपको बता चुके हैं हो ची मिन जो कि इस पूरे के पूरे हिंद चीन में राष्ट्रवाद के हीरो थे, ठीक है, उनका एंट्री हुआ था और उन्होंने बहुत सारे संगठन बनाए और वो संगठन काफ़ी कारगर रहा। लेकिन इसके बाद पूरे वियतनाम के वो शासक अभी नहीं बने, पूरे वियतनाम की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें ऊपर वाला ये पतला वाला इलाका दिख रहा होगा जिसे रेड डॉट से किए हैं, ये वाला इलाका, इस इलाका का बात करें,
इसमें सिर्फ हो ची मिन्ह थे, ठीक है, नीचे वाले इलाके में दूसरा कोई शासन कर रहा था, यानी कि एक फ्रांस का कठपुतली, कठपुतली का मतलब समझिए, कठपुतली अपने इशारे पर घुमाना, जिसको घुमाया जाता है ना उसको कठपुतली बोला जाता है, तो अमेरिका इसको अपने इशारे पर घुमाता है नीचे वाले, और एक फ्रांस के व्यक्ति को यहाँ ला करके बैठा दिया कि तुम यहाँ शासन करो, उसका नाम था बाओदाई। लेकिन एक बात बता दें, ये जो हीरो है ना हो ची मिन्ह जो यहाँ का, इनके सामने बाओदाई टिकने वाले नहीं थे, उसी के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक और कहानी हम लोग जान लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, आखिरकार अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम क्यों गिराया, यहाँ पे हम लोग वजह जानेंगे। जापान भी कुछ किया था, अमेरिका को कुछ बिगाड़ा होगा तभी तो डायरेक्ट अमेरिका परमाणु बम, ऐसे कोई इंसान नहीं है बिना गलती का सजा दे। यहाँ कुछ वैसे ही घटना हुई और ये दोनों आपस में लड़ रहे होंगे, बहुत सारा देश द्वितीय विश्व में लड़ रहे हैं, लेकिन वियतनाम अपने ही चक्कर में था कि पूरे हिंद चीन, पूरा किसका मैप है आपका, हिंद चीन का, ये सब अपने आप में ही सबको एक करने के फिराक में लगा हुआ था, यानी एक कैसे हो जाए, और इधर सभी देश एक दूसरे से द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई कर रहे थे, उसका फायदा ये उठाया। मान लीजिए कि आप पर कोई अधिकार किया है, आपको कोई कब्जा में रख रहा है, लेकिन वो जा करके दूसरे से लड़ाई करेगा तो आपको मौका मिल जाएगा वहां से भागने का, ठीक है, और जब वो लड़ाई करेगा तो दो आदमी अगर लड़ेंगे कुछ देर के लिए समझ लीजिए, तो दोनों आदमी लगभग चोट दोनों को लगेगा, तो दोनों आदमी कमजोर पड़ जाएंगे, और आप तो वहाँ से निकल गए ना, तो आप स्ट्रांग रहिए क्योंकि आप तो लड़ाई नहीं किए हैं, तो आपको फायदा यहाँ उठाने के मिलेंगे, आप चाहिएगा तो दोनों को हरा सकते हैं क्योंकि अपने में लड़ करके ऑलरेडी ये कमजोर हो चुके हैं। वियतनाम इसी का फायदा उठाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध होगा, सब लड़के अपने में कमजोर हो जाएंगे, उसका फायदा वियतनाम उठाएगा, और वियतनाम उठाने के बाद ये स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर देगा। समझिएगा, यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता यही टॉपिक है भाई। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और पूरा का पूरा इस पर किसका कब्जा था, फ्रांस का कब्जा था। अब द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस से भिड़ गया जर्मनी, ठीक है, अब जर्मनी और फ्रांस में लड़ाई छिड़ गया जिसमें बेचारा फ्रांस जो इस पर कब्जा किया हुआ था हार गया। अब यहां फ्रांस हार गया तो फ्रांस पर अब किसका कब्जा हो गया, जर्मनी का कब्जा हो गया, अब मामला फंस गया, अब इन लोगों को उसका फायदा उठाना पड़ा। वियतनामी सोचे क्या बात है, हम पर आया था अधिकार करने कमजोर समझ के, तनी जर्मनी से लड़के देख लो क्या होता है, ठीक है, जर्मनी से लड़ा, बस जर्मनी से हार गया, जर्मनी यहां जीत गया, और एक संधि के तहत जापान भी उधर से चल दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध है ना तो सभी देश शामिल होंगे, समझिएगा यहां पे जापान की कितनी बड़ी गलती है, इसीलिए अमेरिका परमाणु बम आकर के मार दिया, ठीक है। उधर से जर्मनी आया तो देखा, सॉरी उधर से जापान आया तो देखा कि अच्छा फ्रांस हार गया जर्मनी जीत गया, लेकिन जापान बहुत ताकतवर देश था, जर्मनी डर गया जब जापान आया तो जर्मनी जापान को कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है फ्रांस का जो भी कब्जा वाला इलाका है आप ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन फ्रांस पर तो हमारा ही कब्जा रहेगा, ये गारंटी है, बोले चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया समझिएगा, हिंद चीन में द्वैत शासन, अब ये पूरे हिंद चीन में दो आदमी शासन करने लगे, यहाँ जर्मनी था लेकिन शासन चल रहा था इसी का, ये सिर्फ इसको हराया था युद्ध में। अब हुआ क्या कि पूरे हिंद चीन पर एक ही को राज कर रहा था फ्रांस, लेकिन अब जापान के आने से कुछ इलाका पर जापान कब्जा किया यानी अपना राज्य कायम किया, और कुछ इलाका पर फ्रांस कब्जा किया। समझिएगा कैसे, राजनीतिक प्रभुत्व, द्वैत शासन माने दो को शासन, राजनीतिक प्रभुत्व यानी सत्ता, यहाँ की पूरी राजनीतिक जितने भी राजनीतिक होते हैं उसमें जापान उसको हैंडल कर रहा था, और वहाँ की प्रशासनिक मुखौटा को, ठीक है, सिर्फ मुखौटा का मतलब समझ जाइए एक तरह से, सिर्फ देखने के लिए कहाँ यहाँ किसकी सरकार है, फ्रांस की सरकार है, पर टोटल ताकत किसके पास थी आप बताइए, पूरा का पूरा सरकार, मान लीजिए कि हम लोग के गवर्नमेंट में जो मोदी जी हैं पूरा का पूरा वो हैंडल कर रहे हैं कि नहीं, जो चाहेंगे वो जब मन करे तब लॉकडाउन वो लगा सकते हैं, ठीक है, उसमें दूसरा कोई सरकार कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो क्या है, वो राजनीति को हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पे वही तो है, आप देखिए तो राजनीतिक प्रभुत्व जापान के हाथ में था और प्रशासनिक मुखौटा फ्रांस के हाथ में था, और इस बीच मौका मिल गया वियतनामियों को, ठीक है, अब ये दोनों से, अब एक दूसरे से ये लोग लड़ेगा अगर तो इसका फायदा वियतनाम उठाएगा, यहां समझिएगा फायदा कौन था, वियतनाम, और वियतनामियों में कौन सा, साम्यवादी लोग फायदा उठाए, साम्यवादी, एक चीज याद रखें इसमें जो वर्ड है ना साम्यवादी, ये साम्यवादी लोग बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, ये समाजवाद की तरह नहीं होते हैं, समाजवाद में प्यार से समझाया जाता है लेकिन उसी बात को समझाना हो साम्यवाद तरीका से तो लड़ाई झगड़ा करके समझाते हैं। तो वियतनामियों ने फायदा उठाया और वहाँ पे इन्होंने अपनी सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया, जिसमें कि हो ची मिन्ह आए और इन्होंने अपनी एक सेना बनाई, उस सेना और या फिर उस ग्रुप का क्या नाम था, उस ग्रुप का नाम था वियत मिन्ह, ये भी क्वेश्चन है,
कि बिया तमीन की स्थापना किसके द्वारा हुई या किसके नेतृत्व में हुई, ठीक है। तो होचीमिन ये एक प्रकार का ग्रुप है जिसका हिंदी में हम लोग अपने भाषा में कह सकते हैं वियतनामी स्वतंत्रता लीग, और यही पूरे के पूरे हिंद चीन को आजाद कराया, पूरे के पूरे वियतनाम को इसको आजाद कराया था, यही वियतमिन यानी कि, और किसने चलाया था, आपके पूरे हिंद चीन के हीरो माने जाने वाले कौन, होचीमिन ने इसका स्थापना किया था। और देखिए इसमें कैसे कैसे लोग आते थे भाई इस ग्रुप में, तो जितने भी पीड़ित किसान हैं, गरीब लोग हैं, गरीब तब तक के लोग जो फ्रांसीसियों से परेशान थे, वो लोग इस युद्ध में आए, इस ग्रुप में आए, व्यापारी लोग, बुद्धिजीवी लोग, इस सब लोगों ने मिल करके, ठीक है, और होचीमिन के नेतृत्व में वियतमिन एक संगठन की स्थापना कर दी, ठीक है। और पता है इधर ही अपने में लड़ रहा था लो ना, जब सभी देश द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहा था लो, तो इसमें अपनी सेना बना चुके थे होचीमिन, जिसका नाम था वियतमिन। और पता है ये युद्ध का कौन सा तरीका, ये सोच रहे थे कि अगर हम इन लोगों से डायरेक्ट लड़ेंगे तो सभी देश मजबूत है, हार जाएंगे, हम लोग काम करते हैं छापामार युद्ध लड़ते हैं। छापामार युद्ध क्या है, सेना एकदम बंदूक लगा करके और चारों तरफ से वो क्या कर रही है, युद्ध लड़ाई कर रही है। छापामार युद्ध ये टोटल ग्रुप छापामार युद्ध जानता था। छापामार युद्ध का मतलब होता है देन एंड देयर जंगल से निकलो और मार करके फिर जंगल में घुस जाओ, और इन लोगों को जंगल का रास्ता पता था क्योंकि ये जंगल पूरा इलाका उधर जंगली था, ठीक है, तो कभी ये पकड़ में नहीं आते थे। यहां अमेरिका भी बहुत बार अटैक किया, लेकिन सोचो विश्व में कहीं नहीं हारने वाला देश ये वियतनाम से हार गया था, क्यों, क्योंकि इन लोगों को, अच्छा बताइए कोई देश कब हराएगा, जब वहाँ के सैनिक मराएंगे, और सैनिक मरेंगे कैसे भाई, जब वो पकड़ में आएंगे, लेकिन यहाँ पे वियतनाम के कोई सैनिक पकड़ में आते ही नहीं थे, मार करके जंगल में भाग जाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रुप उतार देता था लोग, खोजो उनको, तो खोजने से कोई फायदा है, जंगल का रास्ता तो वियतनाम ही जानते थे। तो ये सभी लोगों ने दिमाग लगा के छापामार युद्ध लड़ा, और उस तरह से अगर एक तरह से बात करें तो पूर्ण रूप से ये क्या किया, लगभग लगभग सभी देशों को ये हरा चुका था ये आपका वियतनाम, ठीक है। अब देखिए मामला है यही द्वितीय विश्व युद्ध का, समझिएगा द्वितीय विश्व युद्ध का मामला है क्या, आखिरकार अमेरिका परमाणु बम क्यों गिरा दिया। देखिए सभी देश अपने अपने देश को मजबूत बनाने के लिए हथियार बना रहे थे, लेकिन इसमें सबसे दो देश सबसे ताकतवर, एक जापान और एक अमेरिका, अमेरिका और जापान दोनों बराबर में, दोनों के पास बराबर ताकत था। जापान सोचा कि ये भी बना रहे हैं हथियार, हम भी बना रहे हैं, दोनों आदमी साथे में ताकतवर बने, जबकि हमको विश्व का सबसे ताकतवर देश बनना है, तो क्या करेंगे, या तो उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो वो देखा देगी खूब मेहनत करेगा, पहला ऑप्शन, या एक और काम करते हैं, अगर अपने हथियारों से उस पर अटैक करवा देते हैं, आप अगर दौड़ रहे हैं, दौड़ में अगर दोनों दो रेसर हैं और दोनों भाग रहे हैं, तो आप कुछ देर के लिए सोचिए जीतने का तरीका क्या है, पहला कि आप भी दम लगा के उससे फास्ट भागना पड़ेगा, यानी तो दूसरा तरीका है कि उसको धक्का दे दो या उसको पीछे खिंचवा दो, ठीक है, जब वो पीछे खींच जाएगा तो अपने से आप आगे बढ़ जाइएगा। वही उपाय जापान लगाया, जापान आया और जापान का किया, अमेरिका के एक सैनिक अड्डा था, अमेरिका जहाँ पे अपना सैनिक हथियार वगैरह बनाता था वहाँ सैनिक अड्डा था, उस सैनिक अड्डा का नाम था पर्ल हावर, ठीक है। यहाँ पे पर्ल हावर पर बिना कुछ पूछे लड़ाई का कोई संदेह ही नहीं था कि लड़ाई होने वाला है, आकर के जापान अमेरिका पर ताबड़तोड़ बम गिराने लगा एकाएक, यहाँ पूरा का पूरा वहाँ का हवाई अड्डा जितना भी था सीपोर्ट वगैरह सब कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। उस समय 200 जहाजें, जो 1945 की बात है ये, ठीक है, 1945 में 200 जहाजें वहाँ पे क्या हो गई, सब बेकार हो गई, आजकल उतनी जहाजें नहीं होंगी बहुत सारे देश में, और उस समय जापान ने अमेरिका के सैनिक अड्डा पर अटैक करके तबाह कर दिया। अमेरिका पूछा इधर आओ जापान, क्या बात है, हम तुम्हारा क्या बिगाड़े थे कि आखिरकार तुम हमारे पूरे सैनिक अड्डा को तबाह कर दियो। तो जापान बोला हम तू तो हमको कुछ नहीं बिगाड़ा था, तू आगे हमसे बढ़ रहा था, ठीक है, तो हम सोचे कि एक ही उपाय है, एक काम करते हैं, तुमको हम बिना पूछे अटैक कर देते, तुमसे अगर कह के अटैक करेंगे तो तू तैयारी के साथ लड़ेगा तो हारने की संभावना मेरी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए बिना पूछे हम अटैक कर दिए। बोला चलो ठीक है, इसका कीमत तुम्हें चुकाना पड़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा दिन नहीं बीता, यहाँ देखिए उसका कीमत ही चुकाया, यहाँ उसके बाद से यहाँ समझिएगा, जैसे ही पर्ल जापान पर्ल हार्बर पर अटैक किया तो सभी देशों के अंदर, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, सभी देशों के अंदर दशा था कि बाप रे बाप, उतना ताकतवर देश अमेरिका जब वो युद्ध में हार गया, एक तरह से देखा जाए तो उस पर अटैक हो गया, वो बर्बाद हो गया, तो हम लोग किस खेत की मूली हैं। यहाँ देखो फ्रांस पर किसका कब्जा था, जर्मनी का, जर्मनी डर गया, जर्मनी डर गया, उसके बाद बोला कि सुनो फ्रांस तुम हमारे कब्जे में मत रहो, बाप रे वो तो इतना मार मार रहा है सब, तुम यहाँ से निकलो,
ठीक है। फ्रांस क्या किया, धीरे से वहां से जर्मनी उसको आजाद कर दिया, फ्रांस निकल गया जर्मनी के अधिपत्य से, यानी कि फ्रांस जर्मनी के अधिपत्य से बाहर निकल गया, ठीक है। उसके बाद से अमेरिका का किया, वक्त का इंतजार कर रहा था, बदला तो लेंगे, और वो भी क्या किया, उसी समय परमाणु परीक्षण हो रहा था जब ये अटैक किया था जापान अमेरिका पर, उसी वक्त अमेरिका के लोग ने परमाणु बम बना लिया था। अब बात आया, जा करके वहाँ के राष्ट्रपति से पूछा गया, परमाणु बम बना लिए, परीक्षण कहाँ करें? अतः कोई बात नहीं, अभी अभी हमारे देश के सेना को जापान मारा है ना, ले जाके उसी पर ट्राई करो कि फट रहा है कि नहीं, ठीक है, नहीं फटेगा कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसे लड़ाई कर लेंगे। वहाँ से ले गया बम और ले जाके जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर पटक दिया, ठीक है। वहाँ पर पूरे का पूरा जापान का नागासाकी और हिरोशिमा तबाह हो गया, और उसी समय वो वार्निंग दिया था कि देख लेना, तुमको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, अमेरिका बोला था। और इतना मार मारा उसको जापान को, जापान मतलब बोल दिया कि 7 फुट तक लंगड़ और लहू लंगड़ा पैदा होगा सब, इतना मार मारा था, ठीक है। और आज भी जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर जब बच्चे पैदा होते हैं तो किसी का नाक नहीं होगा, किसी का मुँह टेढ़ होगा, ठीक है, किसी का कान नहीं होगा, किसी का आँख नहीं होगा, किसी का हाथ नहीं होगा, इतना मार मारा उसको जापान में नागासाकी और जापान में, हाँ नागासाकी और हिरोशिमा पर। तो आप सोचिए, बिना कहे अटैक किया था जापान, ये भी अमेरिका अटैक कर दिया, ठीक है, दोनों का हिसाब बराबर हो गया। जापान पूरा डर गया और आत्मसमर्पण कर दिया, बोला कि बाप रे बाप, हम तो ऐसे ही मारे थे 200-400 आदमी को, आप तो हमारा पूरा नागासाकी और हिरोशिमा दोनों ले गए, ठीक है, आज के बाद अब हम सेने नहीं रखेंगे, ना सेना रहेगा ना हमको गुस्सा आएगा, ठीक है, सेना ही हटा देते हैं। तो वही उसी समय, लेकिन बोले कि हम सेना हटा देंगे तो हमारी रक्षा के लिए कोई चाहिए ना, अमेरिका बोला कि हाँ हम तुम्हारा रक्षा करेंगे, ठीक है, तुम कभी सेना मत रखना। तो आज भी जापान में सेना नहीं है, ठीक है, उसकी रक्षा कौन करता है, अमेरिका करता है। अब देखिए, उस समय जापान तो हार गया और जापान बोला कि अब चलते हैं हम अपने टोला में, यानी अपने घर चलते हैं, ठीक है। और फ्रांस यानी वियतनाम से निकल करके कहाँ चला गया, धीरे धीरे वहाँ से सेना जापान चली गई, और इस तरह से वियतनाम में अब कोई सेना नहीं थी। अब देखो, जैसे ही जापान निकल गया और उन्होंने 2 सितंबर 1945 को क्या किया, वियतनाम ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि हम लोग आज़ाद हो गए, ठीक है। और वहाँ की सरकार का प्रधान कौन बना, हो ची मिन, देख लो, तो यही था वियत मिन, जिनको क्या आता था, छापा मार युद्ध आता था, ठीक है। इसके जरिए भी इन्होंने लोगों को परेशान किया था। और जब वियतनाम के प्रधान बन गए हो ची मिन, तो नीचे वाला इलाका पर बाओ दाई की सरकार थे, अब वो टेंशन में आ गए कि बाप रे, इन लोगों को छापा मार ही जाता है, हम रुकेंगे हमको भी मार देगा, तो वहाँ से गद्दी छोड़ के भाग गया इस इलाका से, ठीक है। 25 अगस्त 1945 को बाओ दाई गद्दी छोड़ दिया, क्योंकि साम्यवादियों, ये साम्यवादी थे ना, समाजवाद नहीं थे, प्यार से बात करने वाले नहीं थे, ये साम्यवादी थे, इनके सामने टिकना मुश्किल था। तो आपको याद रखना है, सब 1945 तक ही हुआ था, यहाँ देख लीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 45 तक, इन्हीं 6 सालों में ये सब कांड हो गया था, ठीक है। और यहाँ से 1945 में यहाँ से ये कौन चला गया, बाओ दाई चला गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ये पूर्ण रूप से कहानी आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब यहाँ से क्या हो गया, बाओ दाई यहाँ से चला गया, तो अमेरिका को ये बात बुरा लगा, ओ इसका मतलब कि ये पूरा वियतनाम आज़ाद हो जाएगा, तो यहाँ पे एक सरकार बना लेगा, कम्युनिस्ट की सरकार, ठीक है। तो मान लो कि एक ऑलरेडी कम्युनिस्ट की सरकार में आपका चाइना है, रूस है, एक और नया देश बन जाएगा, वो भी कम्युनिस्ट हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो उसे सब देश में कम्युनिस्ट बन जाएगा, तो हम लोगों का क्या होगा, कोई हमको व्यापार करने ही नहीं देगा। अमेरिका पता है ना कि अमेरिका एक व्यापार करने वाला व्यापारी कंट्री है, ठीक है। तो जब वो व्यापारी कंट्री है तो उसको परेशानी हुई, वो बोला कि नहीं, यहाँ पे सरकार होना चाहिए और पूंजीवादी की सरकार होना चाहिए, कम्युनिस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अमेरिका जबरदस्ती इस लड़ाई में कूदेगा, ठीक है, कि नहीं तुम यहाँ, बाओ दाई से बोले कि तुम भागो मत, यहाँ शासन करो, हम हैं तुम्हारे साथ, ठीक है। अब पीछे से रहेगा, इधर ही लोग क्या होगा, अपने में एक दूसरे से लड़ेगा और मरेगा, ठीक है। तो हम लोग अगले लेयर में देखेंगे कि अमेरिका किस तरह यहाँ आकर के हस्तक्षेप किया है। अब इस लेयर में देखिए, अब देखिए यहाँ तो पूर्ण रूप से वियतनाम को देखा जाए तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है, लेकिन इससे फ्रांस को बड़ी तकलीफ है कि क्या फालतू में विश्व युद्ध हुआ और मेरे हाथ से जिस पर हम कब्जा किए थे वो भी राजा निकल लिया। तो उन्होंने कुछ नीति रची, वो नीति रची है, कुछ तो उपाय लगाए ताकि फिर से हम जाकर के वियतनाम में कब्जा करें। देखिए कितना खतरनाक नीति रचेगा, फ्रांसीसी नीति, बोला ठीक है
सुनिए ना, वियतनाम से बोला, सुनिए ना, एक काम करते हैं, हम आपके यहाँ आते हैं, ठीक है, आपके यहाँ सभी लोगों की रक्षा करेंगे हम, कैसे? तो देखिए, आप पूरा वियतनाम के मालिक हैं, ठीक है, लेकिन पता है हमको क्या क्या दे दीजिएगा तो हम खूब अच्छा वियतनाम को चला लेंगे। देखिए, वो कह रहा था कि फ्रांस का साम्राज्य एक यूनियन बनाया जाए, यानी कि मान लो कि जो फ्रांस का है, हम फ्रांस से आए हैं, तो एक यूनियन बनाया जाए जिसमें सभी देश रहेंगे, उसमें वियतनाम भी रहेगा, ठीक है, और वियतनाम रहेगा। तो बोले ठीक है, वियतनाम रहता, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? तो फ़ायदा है ना, देखो क्या बोला, कि मान लीजिए कि अगर हम जिस पर कब्जा किए हैं या मेरे साथ जो भी है वो मेरा उपनिवेश है, हम कहीं भी तो जा सकते हैं ना, तो हम तुम्हारे यहाँ भी आ सकते हैं, और रहेगा उसमें फ़ायदा क्या, कि हम तुमको सेना देंगे, ठीक है, तुम्हारी सेना, वियतनाम से बोला तुम्हारी सेना नहीं रहेगी, सेना मेरी रहेगी, मेरे कब्जा में सेना रहेगी, और जितने भी विदेशी नीति है, विदेश नीति समझते हैं, यानी कि इस देश से जो भी व्यापार वगैरह होगा उसका सभी हैंडल हम करेंगे। फ्रांस बोला, वियतनाम बोला अच्छा, तो एक बात बताओ, तो किस हिसाब से वियतनाम आज़ाद हुआ नहीं बताओ, तो तुम यहाँ अपना सेना रखेगा, विदेशी नीति जितना नियम कानून बनाने वाला सिस्टम है तू रखेगा, तो फिर आज़ाद कहाँ हुआ, चल निकल, ज़्यादा दिमाग मत लगा, अभी ये थूरधार के भगाए हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ समझिएगा। फिर क्या हुआ कि ये फ्रांस ने कोई नहीं माना, कोचीन चीन वाले तो इसका विरोध कर दिए कि सबसे पहले तू अपना नीति अपने पास रख, ठीक है, बड़ी गधा हम लोगों को समझ रहा है, ठीक है। वियतनाम बोला, अरे गुस्सा नहीं करते हैं, ठीक है, माने हम सिर्फ राय दे रहे थे, बोले राय की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली फुर्सत में निकलो, ठीक है। लेकिन फिर भी अमेरिका इन लोगों को चढ़ा के रखा था फ्रांस को, हम है ना, चलो लड़ाई करो तुम, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पीछे खड़े हैं, ऐसे ही बोल रहा था। अब देखिए, इस सब जब बात इन लोगों से कर रहा था, समझौता कर रहा था, नीति के बारे में बता रहा था, तब तक धीरे से अपनी सेना को बोल देता, जाओ धीरे से वियतनाम में घुस जाओ, ठीक है, हम इधर बातों में उलझाए हुए, अपनी नीति समझा रहे हैं, तब तक धीरे से घुस जाओ। तो घुस जाओ तो ये भी वियतनाम के लोग बड़ी एक्टिव थे, ठीक है, इनके बीच एक युद्ध होता था, पता है ना कौन सा, उसको गुरिला युद्ध कहो या फिर छापामार युद्ध करो, अपना सैनिक चारों तरफ से छापामार वाला लगा के रखे थे, छापामार युद्ध समझ रहे हो ना, मार के जंगल में घुस जाता, सब जंगल में छिपा हुआ था, और उसमें जो मेन मैन है ना वो फ्रांस से बात कर रहे थे, अब फ्रांस को लगा था कि सब लोग हमसे आए हैं बात करने, पूरा का पूरा वियतनाम में सेना खाली है, अपना धीरे से सेना हम घुसा देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जब चुपके से भेज दिया फ्रांस अपनी सेना को, तो वहाँ पे क्या हुआ, सैगान में उसकी सेना फंस गई, यहाँ पे दोबारा शासन का प्रयास करने की कोशिश किया कि जाओ धीरे से घुस जाओ, फिर कब्जा कर लेना, हम लोग का फिर राज हो जाएगा, फिर फ्रांसीसियों का राज हो जाएगा, लेकिन उसी बीच सैगान में एक जगह आएगा और वहीं पे उनकी सेना क्या हो गई, फंस गई है, ठीक है, फंस गई है। तो बोला वियतनाम, सेना काहे भेजा है, तू हम लोगों से बात कर रहा है, आप पीछे से सेना तू भेज दिया, कितना गलत बात है, तू कैसा आदमी है, कई बार थुराया, तुमको समझ में नहीं आया, ठीक है। यहाँ देखो, अब उसके बाद से फ्रांसीसी बोला, अच्छा जाने दो, जो हुआ सो हुआ, ठीक है, हम अपनी सेना को वापस बुला लेते हैं, बैठ के हम लोग समझौता करते हैं, हमारी सेना को छोड़ दो। तो वहाँ बैठ के समझौता हुआ, उसे बोलते हैं हनोई समझौता, ठीक है, 6 मार्च 1946 को, 45 के बाद 46 को क्या हुआ, हनोई समझौता हुआ, और इस समझौता में हुआ कि कोई किसी के अंडर में नहीं रहेगा, सब कोई आज़ाद रहेगा। लेकिन फ्रांस आदतों से मजबूर, वो जा करके का किया कि समझौता तोड़ दिया, जा करके कोचीन चीन पर अधिकार कर लिया, फिर मामला गड़बड़ हुआ। तू काहे बार बार किसी पर अधिकार कर रहा है, तू अपने यहाँ जाना जहाँ से आया है, थोड़ा सा गुस्सा वाला बात है ये, ठीक है, जानते हो। फिर वियतनाम सोचा कुछ तो इसके पास ताकत है, तभी बार बार आके आक्रमण कर रहा है। बाद में पता ही चला कि फ्रांस के पास ताकत खुद का नहीं है, उसको ब्रिटेन, यूरोप से जो ब्रिटेन बहुत वो भी ताकतवर है और व्यापार के मामले में भी आगे है, अमेरिका, दोनों इसका समर्थन कर रहा है, तब जाके बार बार इस पर आ रहा है। क्यों नहीं, कि वो चढ़ा रहे कि जाओ ना, कभी तो यहाँ पे क्या करोगे, आक्रमण करके यहाँ पे अधिकार जमाओगे ना, यानी कि यहाँ समझिएगा, समर्थक देश इन लोग, बाओदाई यहाँ पे शासन कर रहा था और बाओदाई का समर्थक कौन था, अमेरिका और ब्रिटेन, यानी कि अगर बात करें हम दक्षिणी वियतनाम का, ये पूरा का पूरा पतला वाला इलाका जो रेड डॉट से है, ये दक्षिणी वियतनाम है, इसको दो हिस्सों में तोड़ो, तो इस इलाका में बाओदाई की सरकार थी और इस बाओदाई को समर्थन कर रहा था कौन कौन, अमेरिका और ब्रिटेन। लेकिन हाँ, ये भी अब तक ताकतवर हो चुका था, उत्तरी वियतनाम, होचीमिन वाला, जिसको वियतमिन संगठन, उसमें सब गरीब लोग ही थे लेकिन ताकतवर थे, ठीक है।
तो इसका समर्थन कौन कर रहा था? इसका भी अब समर्थन लोग आ गए थे, हथियार देने वाले देश आ गए थे, बढ़िया बढ़िया हथियार। इसका समर्थन कर रहा था चीन और रूस। अब वो चाहता था कि सभी लोग क्या रहे, कम्युनिस्ट विचारधारक रहे, और ये चाहता था कि सभी लोग क्या रहे, पूंजीवादी रहे, पूंजीवादी विचारधारा के रहे, ठीक है। अमेरिका कभी चाहे नहीं करेगा कि पूरा का पूरा कम्युनिस्ट हो। अगर आज मान लो कि ये देश कम्युनिस्ट हो जाएगा, कल इसके देखा देखी लाओस होगा, कम्युनिस्ट होगा, इस तरह तो पूरे विश्व में क्या हो जाएगा, आपका कम्युनिस्ट सरकार हो जाएगी। तो इस हिसाब से पूंजीवादी तो हर जगह खत्म हो जाएगा, इसी का डर था। इसलिए बार बार उसको चढ़ा रहा था कि इसको हम नहीं, मतलब नहीं होने देंगे हम कम्युनिस्ट। इसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। क्या बोलते हैं? अगर एक के साथ साथ देखा देखिए अगर सब बदल जाए तो उसे कहते हैं इफेक्ट पड़ा है, डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बार बार चढ़ा रहा था कौन, अमेरिका और ब्रिटेन बावदाई को। बावदाई उब गया, एक काम ना करो, हमको चढ़ा रहे हो, खुद आके आक्रमण कर लो, ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है। हम लोग दोनों आदमी मिल जाते हैं, कौन कौन, बावदाई और आपका होचीमिन, हम लोग दोनों आदमी मिलकर अभी इतना हमको एक कर देते हैं, अब ज्यादा दिमाग मत दीजिए। उस समय से आप दिमाग दे रहे हैं, हमको चढ़ा रहे हैं, अब बार बार हम पकड़ा जा रहे हैं, ठीक है। अब बताइए कितना बेइज्जती हमारा हो रहा है, ठीक है, इंसल्ट हो जा रहा है। आप लोग कुछ बोलिए नहीं रहे जब हम पकड़ा रहे हैं, तो बचाने भी नहीं जा रहे, हमको खुद समझना पड़ रहा है। आप अपना नियम बंद कीजिए, चलिए कोई बात नहीं, पूरा कम्युनिस्ट रहेगा, ठीक है। अमेरिका कहा लो भाई, एक तो बावदाई को बार बार चढ़ा रहे थे हम, अब बावदाई भी अब हम लोगों का बात नहीं मान रहा है। अब यहाँ पे दोनों एक होने का बात प्लानिंग बना लिया था, क्योंकि दोनों इलाका के लोग चाहते थे कि वियतनाम एक हो जाए, उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम, तोकिम और अन्नाम का इलाका सब एक हो जाए पूरा, ठीक है, लोग भी चाह रहे थे। अमेरिका को टेंशन हो गया कि लो अभी अभी देश बन गया कम्युनिस्ट, ठीक है। तो फिर ये दोनों ने प्लान किया, अमेरिका और ब्रिटेन, एक काम करो, अभी इस नीचे वाले का मालिक बावदाई है, इसी को हटा के अपने हिसाब से एक ऐसे शासक को बनाया जाए जो अपना बात माने। तो उसी समय क्या किया गया, बावदाई को हटा दिया गया। यहाँ समझिएगा, 1856 में जब ये प्लानिंग की योजना बना, मतलब कि एकीकरण की योजना बनाई, ठीक है, तो जब एकीकरण की योजना बनी तो अमेरिका बोला कि नहीं तू हट जा, बावदाई को बोला तू हट जा, हम दूसरे को वहाँ पे नया शासक बनाएंगे। और उस नया शासक का नाम था नयोदीन दियम। याद कैसे रखोगे, नया शासक, तो न या तो यहाँ नयो है कि नहीं, नयो शासक, तो नयोदीन दियम को, ये बहुत ही क्रूर सरकार थे, ठीक है, ये अपने ही लोगों पर अत्याचार करता था। इसी इलाका में बनाया गया, और यहीं पे जो इधर से आए थे वियत मिन, इधर से बौद्ध लोग इसमें थे, इन लोगों को बड़ी अत्याचार किया, बड़ी मार मारा नयोदीन दियन ने, इन लोगों को बहुत मार मारा, और बौद्ध लोगों ने भी आंदोलन किया, कई लोगों ने तो खुद को आत्मदाह कर दिया लोगों को एक करने के लिए कि तुम प्लीज़ एक हो जाओ, अगर तुम एक नहीं होगे तो यहाँ पे नयोदीन दियन हमेशा हम लोगों को सताएगा, ठीक है। उन लोगों को, अपने ही लोगों को एक करने के लिए लोग अपने आप को मतलब आहुति देते थे, यानी आग में जला लेते थे, ठीक है। यहाँ पे वियतनाम की कहानी आप कभी पढ़िएगा तो और डीपली समझ आएगा, ठीक है। अपने ही लोगों पर नयोदीन अत्याचार करने लगा, और सबसे ज्यादा अत्याचार वियत मिन और बौद्ध धर्म को किया। वियत मिन की सेना यहाँ पे बनाया गया था, और धीरे से इधर घुस करके एक करने का प्लानिंग कर रही थी, तब तक नयोदीन इनको मरवा देता था। अब देखिए बौद्ध लोगों को बड़ी परेशान किया, तो बौद्ध लोगों ने आंदोलन कर दिया जिसका नाम है हुआ हुआ आंदोलन। ये याद रख लीजिए, कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा है हुआ हुआ आंदोलन बाबू क्या है, तो ये आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हुआ हुआ आंदोलन पूछेगा कब हुआ, तो 1939 यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था उस समय शुरू हुआ था। आपसे पूछेगा हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन है, किसके द्वारा किया गया, तो ये बौद्ध के द्वारा किया गया, बौद्ध धर्म जो भी होते हैं उन लोगों के द्वारा, बौद्धिस्टों के द्वारा किया गया 1939 में ये आंदोलन है। इसके नेता कौन है, तो नेता का नाम था हुइन फुसु। ये याद रखिए, नाम थोड़ा अजीब है ना, होम्योपैथ की दवा की तरह नाम है, ठीक है। हुइन फुसु नाम है जिन्होंने हुआ हुआ आंदोलन क्या किया था, या इसके नेता थे, और इस आंदोलन को भी दबा दिया गया हुआ हुआ आंदोलन। अब किसने दबाया, तो यही जो सरकार है नया वाला नयोदीन दियन ने इसको क्या किया, दबा दिया। इस वीडियो में आपको ये जरूर समझ आया होगा कि किस तरह से वियतनामियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। अभी भी वियतनाम एक नहीं हुआ, ठीक है, हम लोगों को लास्ट वही काम करना है, एक कर देना है, क्योंकि इसमें क्रूर सरकार कौन आ गया था, नयोदीन दियन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इतने जब अपने ही लोगों को परेशान करेगा तो लोगों ने विद्रोह कर दिया, इसी देश के लोगों ने नयोदीन दियम का विद्रोह कर दिया कि आप यहाँ से चले जाओ, और विद्रोह में नयोदीन दियन मारा गया, यानी राजा को मार दिया। लेकिन कहा जाता है कि राजा को लोगों ने नहीं मारा, अमेरिका खुद बनाया था और खुद मरवा दिया, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही क्रूर था।
अमेरिका ये तय नहीं किया था कि लोगों को मारना है, ये जा करके मारना काटना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऐसा मानना है तो इसको मरवा दिया जाएगा, उसके बाद से फिर कोई सरकार आएगी और फिर एकीकरण, अमेरिका स्वयं इस युद्ध में उतर जाएगा। अब सोचेगा कि किसी सरकार को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट युद्ध में उतरते हैं, अब पूरे के पूरे वियतनाम के सैनिकों को मार करके और अपने हिसाब से वियतनाम को कब्जा में ले लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि इन लोगों के पास एक तकनीक है लड़ाई का, जिसको बोलते हैं छापामार, मार के भाग जाता था सब। करोड़ों सेना ला लो, का फ़ायदा जब सैनिक सामने दिखवे नहीं करेगा, किसको मारेगा। और वही वजह है, आएगा और सबसे ज़्यादा बम यहीं पे बरसाएगा अमेरिका, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। ये हम लोग मस्त कहानी अगले लेयर में देखते हैं। वियतनाम के एकीकरण से पहले हम लोग थोड़ा सा कंबोडिया का दुखड़ा सुन लें। इनके साथ भी अमेरिका अच्छा व्यवहार नहीं किया, यहाँ ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जान लें। कंबोडिया संकट में था, आखिरकार कंबोडिया की राजधानी नाम पे नहीं, ये एग्ज़ाम में आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इस बार के ऑब्जेक्टिव में रहने का चांसेस बनता है, ठीक है। राजधानी नाम पेन याद रखिएगा, नाम को पेन लो, नाम पेन, ठीक है। यहाँ पे 1954 में शासक उस समय नरोत्तम सिंहानुक थे, ठीक है, यानी कि वो वहाँ के शासक थे, खानदानी वहाँ के शासक है, समझ जाइए, ठीक है। अमेरिका आकर के वहाँ उसको भी नहीं छोड़ा, इस कंबोडिया वाले इलाका पर भी आकर के वहाँ भी नहीं छोड़ा। और जानते हो क्या कि इसके साइड में एक कंट्री आता है और उस कंट्री का आपको नाम है थाईलैंड। कंट्री का क्या नाम है? थाईलैंड। थाईलैंड को अमेरिका उकसाता था, थाईलैंड का मतलब उकसाता था कि जाओ और जा करके कंबोडिया से लड़ाई झगड़ा करो, लड़ाई झगड़ा करोगे तुम हमसे हेल्प मांगोगे तो हम आएंगे, एक-एक इस पर आक्रमण कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ, इससे कंबोडिया बड़ी नाराज था, क्योंकि कंबोडिया और अमेरिका में मतलब व्यापारिक संबंध थे, अच्छा से संबंध चल रहा था, लेकिन कंबोडिया ये सोचता था कि हम लोग तो ठीक हैं, अमेरिका और हम तो काहे बार बार इसको चढ़ा रहा है, थाईलैंड को काहे चढ़ा रहा है कि आकर के हम पर आकर के आक्रमण करो, हमसे झगड़ा करो। इस चीज़ को लेकर के यहाँ के नरोत्तम सिंहानुक बहुत गुस्सा थे अमेरिका से, ठीक है। अब देखिए, और 1963 में सिंहानुक द्वारा मदद से इनकार, अमेरिका अपमान। अब बताओ क्या हुआ, 1963, ये वर्ड याद रखिए, ये आपको याद रखना है 1963 ये डेट। इस समय अब ये उब गया था कंबोडिया, और कंबोडिया बोला कि देखिए अमेरिका, पहले बात समझ ले, आज के बाद हम आपसे कोई संबंध नहीं रखेंगे, तू ऐसा दोस्त है, ठीक है, तू पीठ पीछे छुड़ा भोकने वाला काम करता है, ठीक है, तू खुद इसको चढ़ा रहा है, थाईलैंड इधर है, उसको चढ़ा रहा है हमसे लड़ाई करने का, तुमसे क्या फ़ायदा दोस्ती रखने से। और वहाँ से क्या किया, दोस्ती तोड़ दिया। अमेरिका को बड़ा इंसल्ट हुआ, मेरा अपमान करोगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसके पास ताकत है भाई, ठीक है। 1865 में कंबोडिया पर भी आक्रमण किया, वियतनाम से तो आक्रमण चल ही रहा था, वियतनाम को तो अमेरिका देखना भी नहीं चाहता था, दोनों पर आक्रमण कर दिया भाई, हथियार उसके पास है, ताकत उसके पास है। 1865 में 2 साल के बाद इस हिसाब से पूर्ण रूप से अब संबंध तोड़ दिया, कौन? कंबोडिया। अब जानते हो कंबोडिया किसका हेल्प ले रहा था, अब ये ले रहा था चाइना से हेल्प, अब ये ले रहा था रूस से हेल्प, अब उधर की तरफ जा रहा था, बस और अमेरिका गुस्सा हो गया, तू उधर काहे जा रहा है, झगड़ा हम दोनों में हुआ है तो हम लोग समझौता करें ना, ठीक है। इस तरह से बेचारा करने लगा, लेकिन कंबोडिया माना नहीं। अब उसके बाद से अमेरिका गुस्सा होकर के देखो क्या किया, 1965 में अमेरिका द्वारा यहाँ पे कंबोडिया पर जहर की वर्षा, यानी पूरे इलाका में जहर की वर्षा करवा दी हवाई जहाज से, यहाँ की सभी रबी फसलें, जितना भी गेहूं वगैरह है, सब बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। अमेरिका कंबोडिया बोला कि तुमको इसका मुआवजा देना पड़ेगा, तुम इतना बर्बाद किए हो तो इसका पैसा कौन देगा, ठीक है। इसके लिए कंबोडिया और गुस्सा हो गया, ठीक है। 18 मार्च 1970, ये डेट याद रखिएगा, इसके ठीक 5 साल के बाद सिंहानुक क्या किया, सत्ता से हटा। हुआ क्या कि अमेरिका एक षड्यंत्र रच करके सिंहानुक को यहाँ से कंबोडिया से क्या किया, हटा दिया और दूसरे की सरकार बना दी। वो दूसरा आदमी कौन था, जनरल लोन नूल, समझिएगा, लोन नूल, ये नया सरकार यहाँ पे बना दिया, ये यहीं का था। अब देखो ये अमेरिका चाल क्या चल रहा है, सिंहानुक जी यहीं के थे, लोन और नोल ये जो भी हैं एक, ये भी यही कहते हैं, तो दोनों आदमी में कब का होगा लड़ाई होगा कि नहीं, यही घरे घर में लड़ा दिया, यानी गृह युद्ध छिड़ गया कंबोडिया में, ठीक है। इधर से सियानो लड़े, वहीं के राजा कौन, नोल नोल को बना दिया। अब ये दोनों में कभी नहीं पड़ता था, क्योंकि ये पहले राजा कौन थे, सिंहानुक थे, अब कौन हो गए, ये नोल और नोल हो गए, ठीक है,
लोल मत समझिएगा, यहाँ समझो। 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणतंत्र घोषित किया। इन दोनों में झगड़ा तो होता था, लेकिन यहाँ पे ताकतवर आपको निकले सियानूर, क्योंकि इनका समर्थक यहाँ ज़्यादा लोग थे, ठीक है। और ये जो इनको बनाया था, अमेरिका बनाया था, अमेरिका को यहाँ कोई पसंद नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूर्ण रूप से अमेरिका से लड़ाई हुई, ठीक है, कि तुम ये लड़ाई किए, नरोत्तम सियानूर लड़ाई किए कि तुम एक बात बताओ, तुम इसको काहे लिए राजा बनाए, कोई इसको पसंद कर रहा है। तो नरोत्तम सिंगानुक और अमेरिका में लड़ाई हुई, और इस हिसाब से अमेरिका पीछे हट गया लड़ाई से, और उस हिसाब से यहाँ 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। और युद्ध फिर हुआ इन दोनों में। अमेरिका तो हट गया, लेकिन ये कह रहा था कि हमको अमेरिका बनाया तो हमको राजा काहे बनाए, अब हमें ही राजा रहेंगे। तो सिंगानुक और नोल नोल में, यानी लोन नोल में, ठीक है, उटपटांग सा नाम है, ये लोल की तरह नामे हैं इन लोगों का, ठीक है। ये दोनों में क्या हुआ, लड़ाई छिड़ गया। पूर्ण रूप से यहाँ पे कौन, इनकी सेना यानी कि लोन नोल की सेना हार गई यहाँ पे, और कंबोडिया के समर्थन में वियतनाम के लोग और वियतकांग एगो सैनिकों का संगठन है, वो दोनों मिलकर के कंबोडिया का सपोर्ट किया और इसको हरा दिया गया। इसमें सेना का नाम था लाल खुमरी। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, लाल खुमरी सेना किसकी थी, तो नरोत्तम जी की सेना का नाम था लाल खुमरी, ठीक है। और 1975 में ये गृह युद्ध यानी घर घर में जो लड़ाई चल रहा था दो आदमी, वो समाप्त हो गया। और उस समय समाप्त हुआ तो उसके राष्ट्र अध्यक्ष कौन बने, सिंगानुक। अब सिंगानुक उब चुके थे 75 का, बोले कि अब हमको राजनीतिक नहीं करना है, अब तुम लोग खुद कंबोडिया को देखो। और इसके ठीक 3 साल के बाद 78 में उन्होंने राजनीतिक से संन्यास ले लिया। तो यही थी कंबोडिया की कहानी। आपको एक चीज़ याद रखना है कि कंबोडिया के शासक कौन थे, तो ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछेगा, तो नरोत्तम सिंगानुक थे, ये आप इतना याद रखेंगे। अब हम लोग अगले लेयर में देखते हैं वियतनाम का एकीकरण और कौन कौन सी लड़ाई होती है वो। अब यहाँ हम लोग देखेंगे वियतनाम का एकीकरण आखिरकार, और अमेरिका का घमंड कैसे तो टूटता है कि इतने, मतलब पूरे विश्व को चाहे तो हम हरा सकते हैं, अमेरिका इतनी ताकत रखता है, और वो घमंड एक छोटा सा देश वियतनाम आकर के पूरे घमंड को तोड़ देगा। यहाँ देखिएगा कैसे, किस तरह फिर तोड़ करके ये दोनों वियतनाम एक दूसरे से एक हो जाएगा, और फिर अमेरिका दोबारा कभी हिम्मत नहीं करेगा कि दो देशों को तोड़े, गौ से यहाँ समझिएगा, ठीक है। वियतनाम गृह युद्ध और अमेरिका हस्तक्षेप, वियतनाम में गृह युद्ध चलता है। गृह युद्ध क्यों बाबू, ये पूरा वियतनाम है, और इसमें अगर लड़ाई होगा तो इसको गृह युद्ध कहेंगे ना, क्योंकि वियतनामी में हो रहा है। जब टूटा था तब उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम हुआ था ना, यहाँ समझिएगा। 1960 में राष्ट्रीय मुक्ति सेना, यानी कि राष्ट्रीय मुक्ति सेना, ये वाला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वियतकांग की स्थापना कब हुई, अभी वियतकांग लोग कहाँ रहते थे आपको बताए थे एक चीज, वियतमिन और वियतनाम, ये दो चीज याद रखिएगा, एक है वियत मिन और एक है वियत कांग। ये लोग चाहते क्या थे दोनों, वियत मिन ऊपर वाले इलाका के जो लोग थे, क्रांतिकारी लोग, साम्यवादी लोग, उनको वियत मिन कहा जाता है, और इस साइड के जो लोग थे, राजा नहीं, लोग जो चाहते थे कि ये दोनों एक हो जाए, उसको वियत कांग हम लोग बोलेंगे, ठीक है। ये याद रखिए, इसकी स्थापना कब हुई बाबू, तो 1960 में हुआ था, ठीक है। सरकार के विरुद्ध ये लोग क्या करते थे, संघर्ष करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, ये आप इतना याद रखेंगे। वियतकांग सरकार के विरुद्ध क्या किया, इस अपनी सरकार के खुद विरुद्ध, ठीक है, यहाँ पे नियोदिन थे ना यहाँ पे, तो उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया, संघर्ष जारी कर दिया, बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ, संघर्ष को कुचला गया, लोगों के अंदर गुस्सा आया, ठीक है, और क्या किया, वहाँ की सरकार ने आपातकालीन की घोषणा कर दी और गृह युद्ध छिड़ गया, ठीक है। अपने में ये दोनों लड़ने लगा, लो इसमें का मतलब इसी इलाका में खुद लड़ाई होने लगा, राजा के खिलाफ लोग लड़ाई करने लगे। जब गृह युद्ध छिड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा, 1961 में शांति को खतरा। अब यहाँ बात ये आया कि यहाँ पे गृह युद्ध छिड़ गया तो अमेरिका जानते हो क्या बोला सबको बैठा करके, कि तुम्हारे घर में, दक्षिण वियतनाम को समझा रहा है, तुम्हारे घर में युद्ध हो रहा है, उसका टोटल जिम्मेवार ऊपर वाला इलाका है, और यहाँ का जो शासक है वही चढ़ा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर युद्ध हो रहा है, यानी पूरा का पूरा जिम्मेवार यहाँ हो ची मिन जो था उसको ठहरा दिया, कौन, अमेरिका, ठीक है। यहाँ देखिए 1961 में शांति को खतरा किसको बताया गया, हो ची मिन को इसका जिम्मेवार ठहरा दिया गया। 1962 में सरकार से तंग आकर के, ठीक है, सरकार से तंग आ गए थे वहाँ के लोग, और उन्होंने सरकार को ही मार डाला, ठीक है, यहाँ के जो वियतकांग लोग हैं अपने सरकार को मार डाला, ठीक है। 1963 में तंग आ गए थे, 62 में बोले कि अब तुम निकल ले यार, बहुत परेशान कर चुका, और 1963 में बेचारे की हत्या कर दी गई, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ, जब तक एक नहीं हो जाता संघर्ष खत्म नहीं होगा।
अब देखिए, जब यहाँ की सरकार खत्म हो गई तो आपको बताए थे अमेरिका बोला कि अब हम डायरेक्ट आएंगे। बाबू दही चलाक था, उसी समय छोड़ के भाग गया कि तुम अपना समझते रहो। अब बाबू साहब आए थे कौन, ये नेहुद्दीन दियन, ठीक है। अब ये आए बेचारे मारे गए, अब अमेरिका का बात कोई शासक नहीं मानता, बोलता नहीं हम जाएंगे हमको बचाने के लिए। तो देखो नेहुद्दीन को बचाने के लिए कोई नहीं है, अमेरिका छोड़ दिया भाई, जाए मरे तुम, ठीक है। तो अमेरिका अब स्वयं इन दोनों को तोड़ने के लिए आएगा कि ये दोनों एक नहीं हो पाए। और आते आते, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, अपने आप की ताकत में एकदम घमंड में चूर है ना, ठीक है, आएगा और वियतनाम के लोग उसका घमंड तोड़ देंगे, क्योंकि वियतनाम के पास एक बहुत बड़ी ताकत है जिसका नाम है छापामार युद्ध या गोरिल्ला युद्ध, ठीक है। वो जमीन के अंदर रहते थे, ठीक है, देखते थे कि यहाँ बहुत सारे सैनिक हैं, तो जमीन के अंदर से बाहर निकल करके गोली वगैरह चला करके फिर जमीन के अंदर घुस जाते, और जमीन में भी रास्ता बनाए थे। अगर गलती से कोई अमेरिकी सैनिक उस जमीन का रास्ता ढूंढ भी लिया तो अंदर जाएगा तो उसको कहाँ पता कौन रास्ता कहाँ चले जाता, तो वो जिंदा वापस नहीं आता था, ठीक है। वहाँ पेड़ के पत्तों के तरफ छिप जाते थे, जंगल के मतलब पेड़ों पर चढ़ जाते थे, मतलब कि बंदर नाच नचा दिए थे किसको, अमेरिकी की सेना को। अमेरिका सोच रही है, अमेरिका के लोग जो भी वहाँ के सैनिक थे उनके घर वाले इंतजार कर रहे थे कि दो दिन में तो वियतनाम तो छोटा सा देश है, दो दिन में लड़ाई खत्म करके आ जाएंगे, लेकिन जितने भी सैनिक वहाँ से आए वियतनाम में लड़ाई करने वो वापस नहीं गए। अब वियतनाम या अमेरिका के सैनिक डर चुके थे कि यार जो जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ जमीन के अंदर ही दाब के उसको मार देता था वियतनामी लोग जो भी था यहाँ पे दोनों मिल करके। तब यहाँ पे वहाँ की सेना मतलब अमेरिका की सेना बोली कि अब हम वियतनाम में लड़ाई करने नहीं जाएंगे, अपने ही हथियार को इधर उधर फेंक करके बोली कि हमारा हथियार खो गया है, हमारा हथियार खत्म हो गया है, गोली खत्म हो गया है, बहाना मार के फिर से दोबारा वो अमेरिका जाने मतलब जाने का प्रयास करने लगे, अपने सरकार को बार बार रिक्वेस्ट करने लगी। और अमेरिका के लोग भी चाहते थे कि इस युद्ध को ख़त्म किया जाए, ठीक है, क्योंकि घर से जो भी जा रहे हैं सैनिक वो वापस नहीं आ रहे हैं, वियतनाम को एकीकरण में तुमको क्या परेशानी है, छोड़ो ना उन लोगों को, एक हो जाने दो, लोग वहां भी चढ़ाई कर दिए। यहां समझिएगा वो क्या किया कि अमेरिका द्वारा रासायनिक हमला कर दिया, बहुत ज्यादा हथियार, अब बताओ खाली लगातार बमबारी करने लगा। ये बमबारी से वियतनाम पर कौन असर पड़ने वाला है, वहां कोई था ही नहीं, सब तो जमीन के नीचे सब छुप करके रहता था लोग, तो किस पर ऐसे ही फालतू में बम हथियार चलाने से कोई फायदा नहीं। और इतना बम गिरा जितना कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में हथियार का इस्तेमाल नहीं होता, एगो देश को खाली अलग करने के लिए हथियार का इस्तेमाल कर दिया, और इतना हथियार मारा कि खुद गरीब हो गया अमेरिका, ठीक है, आर्थिक मंदी उधर भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए एजेंट ऑरेंज ये पर एक प्रकार का हथियार है, केमिकल है, इसे जंगलों को नष्ट किया जाता है। अमेरिका सोचा अच्छा जंगल में छिप के मार रहा है, एक हथियार का वार किया पूरा जंगल को बर्बाद कर दिया, लेकिन जब जंगल बर्बाद हो गया तो लोग जमीन के अंदर छिप रहे थे, ठीक है, फिर भी अमेरिका का प्लान यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है। यहाँ पे टैंक का इस्तेमाल किया, बम का इस्तेमाल किया, तो रसेल ने बोला, एक था दार्शनिक आया था देख रहा था दार्शनिक, और बोला कि बाप रे जितना भी युद्ध हो रहा है इस सब का जिम्मेवार अमेरिका है, ठीक है, अगर वो नहीं युद्ध करता सबको खुश रहने देता तो क्या दिक्कत है। तो टोटल दोषी ठहराने वाला व्यक्ति रसेल था जो अमेरिका का दोषी ठहरा है, ठीक है। और देखो खर्च कितना आया, अमेरिका का खर्च में वृद्धि हो गया, 2 से $2.5 अरब एक वो देश पर खर्चा कर दिया लड़ाई में, देखो कितना यहाँ पे गधा वाला काम किया है। और बता रहे हैं यहाँ पे एक ब्लैक कलर से हम ऐसे खींचे हैं, इसको बोलते हैं होची मिन मार्ग, होची मिन एक मार्ग है, रास्ता है, इसी रास्ता से सब जगह हथियार पहुंचाता था कौन, यहाँ पे वियत मिन के लोग यानी होची मिन के जितने भी लोग थे हर इलाका में, लाओस को देंगे, इधर अंदर वियतनाम के इलाका में दक्षिण वियतनाम में घुस करके हथियार इसी रास्ता से पहुंचाता था। अमेरिका सोच रहा था कि अगर इस रास्ता पर हम बमबारी करेंगे और यहाँ पे और इस रास्ते को तोड़ दे तो इस रास्ते से क्या होगा, व्यापार नहीं हो पाएगा, यहाँ से हथियार नहीं पहुँच पाएगा, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वियतनाम के लोग हार जाएंगे और गुरिल्ला युद्ध भी नहीं हो पाएगा क्योंकि हथियार नहीं होगा। लेकिन यहाँ के लोग इतने जुनून में थे कि यहाँ पे लड़ाई करने वाले बूढ़े बच्चे महिलाएं तक इस रोड के मरम्मत में, आज टूटा सुबह तक रोड तैयार, इतने फास्ट काम करते थे। और अपने वियतनाम को आज़ाद कराने के लिए छोटे छोटे बच्चे लड़कियाँ, ठीक है, वियतनाम के सभी बूढ़े बच्चे जितने भी थे सब लोग इस लड़ाई में भाग लिए थे। तो जहाँ पे सब कोई मिल करके लड़ाई करेगा वहाँ हराना संभव है ही नहीं। कहा जाता कि जागोरा के साइयां मार सके ना कोई, आज जो मारने आए तबाह हो जाए, वो वियतनाम का ही नारा एक हो गया था, ठीक है। तो यहां वही समझिएगा, अब यहां पे
1968 में वियतकांगो द्वारा अमेरिकी ठिकानों पर हमला। अब ये थक चुका था, अमेरिका खूब हमला किया, अब बोला कि कर लिया, अब वियतकांग के लोग धीरे से निकले 1968 में, आ जाके अमेरिका का जहाँ ठिकाना था वहाँ बमबारी कर दिए। अमेरिका थक गया, बाप रे बाप, इन लोगों से लड़ना बड़ा मुश्किल है, ये छुप के काज ने कहाँ से मार दे रहा है, भाग जा रहा है, समझे में नहीं आ रहा है, ठीक है, टेंशन हो गया। अब ये अमेरिका बोला एक काम करो, अब हम लोग बैठते हैं और शांति वार्ता करते हैं, हम लोग शांत हो जाते हैं, हम जा रहे हैं अपने सैनिकों के लेकर के, तुम भी शांत रहो। तो शांति वार्ता के लिए अमेरिका यहाँ तैयार हो गया, ठीक है, अमेरिका शांति वार्ता के लिए तैयार। और 1968 की घटना जब देखा तो 1968 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, वार्ता हुआ, और उस पर फिल्म भी बहुत सारी बनी, ठीक है, जिसमें अमेरिका के अत्याचारों को दिखाया गया था उस फिल्म में, ठीक है, माइली गांव की घटना दिखाया गया था, कैसे अमेरिकी सैनिक माइली गांव में आ करके, ये दक्षिणी वियतनाम में पड़ता है माइली गांव, और कैसे अत्याचार के यहां पे सभी नौजवानों को मार करके और जितने भी बड़े बूढ़े हैं, ठीक है, उन सबको मार करके और यहाँ की महिलाओं के साथ रेप किया था लोग, कौन, अमेरिका के सैनिक। तो इसके लिए अमेरिका की निंदा की जाती, कितना घटिया आदमी है, ठीक है, सबको मार करके और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है। उस हिसाब से 27 फरवरी 1973, अब हम लोग चल रहे हैं एकीकरण के तरफ, वियतनाम द्वारा युद्ध की समाप्ति पर वियतनाम आकर के अपना हस्ताक्षर कर दिया, चलो ठीक है हम लोग युद्ध को समाप्त करते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ अपनी सेना को तुम जल्दी, अमेरिका को बोला जल्दी वापस ले जाओ, वहाँ की सेना 60 दिन के अंदर अमेरिका की सेना वापस चली गई, वियतनाम ने युद्ध की समाप्ति पर हस्ताक्षर दोनों ने कर दिया और 60 दिन के अंदर बाहर सेना चली गई और 1975 में वियतनाम का एकीकरण हो गया। आपसे पूछा जाएगा वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो 1975 में वियतनाम का एकीकरण हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही आसान तरीका से ये कहानी आपको समझ आया होगा, तो समझ में आया तो आप देर मत कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको हर एक स्टूडेंट के पास पहुँचाइए, और हाँ अगर जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया ना, अभी कमेंट करो उसको, देन एंड देयर कमेंट करो कि ये टॉपिक तो थोड़ा भी पल्ले नहीं पड़ा। जब तक आप अपनी परेशानियों को नहीं बताइएगा, ठीक है, तब तक उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा और पता चले कि हम कितना पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है। और हाँ एक बात आपको और बता दें, इस हर लेसन का ऑब्जेक्टिव का वीवीआई क्वेश्चन जितना आपका गाइड वगैरह है, 3-4 गाइड का निचोड़ लेकर के हम आ रहे हैं, ठीक है, उसमें आपके एग्जाम में उसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उस क्वेश्चन को देखना मिस मत कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।